अभी इसमें मैं थोड़ी सी मॉडिफिकेशन कराने वाला हूँ। ऑब्वियसली इसमें मुझे लास्ट में जाके ट्यूब वाला ही जुगाड़ करना पड़ेगा। एंड द नेक्स्ट मॉडिफिकेशन इज दैट इसमें बॉटल होल्डर बिल्कुल नहीं आते हैं, तो मैंने ये वाले बॉटल होल्डर यहाँ पर। Hey guys, this is Fat Baker Vaibhav. As you know, recently मैंने ये वाली बाइसाइकिल खरीदी है। This is the E-Motorrad Desert Eagle. नहीं, sorry. E-Motorrad Nighthawk. I don't know इसका नाम Nighthawk क्यों रखा है। मतलब Desert Eagle होता है कि डेजर्ट पे चलने वाली, वो इनका दूसरा MTB वेरिएंट है एंड इसका नाम है Nighthawk. मे बी इसमें नाइट में कुछ मजेदार चीजें होती हो। सो बेसिकली आपको पता होगा जो मेरी बाइसाइकिल है थोड़ी सी स्टॉक है। अभी इसमें मैं थोड़ी सी मॉडिफिकेशन कराने वाला हूँ जो कि आपको बाद में पता लगेगी, बिकॉज अगर आप माउंटेन बाइकिंग करते हैं तो आपको थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करानी ही पड़ती है अपनी बाइसाइकिल में। सो जो फर्स्ट मॉडिफिकेशन है उसके लिए हम एक जगह पे जा रहे हैं, वहाँ पे मैं इसके बारे में बताता हूँ। ऑल्सो टुडे आई एम टेस्टिंग माई रैक जो की बिटवीन का भी मैंने रिसेंटली लगवाया है एंड इसमें काफी ज्यादा हैवी साइकिल्स लोड करी है, बिकॉज ई मोटर एड है दैट इज क्लोज टू बैटरी निकाल के 22 किलो के आसपास एंड बैटरी के साथ 30 किलो के आसपास है एंड उसके बाद जो मेरी यूनाइटेड है वो भी पड़ी हुई है, वो अराउंड 14 केजी होगी। अब मैंने ये वाला रैक में लगा तो लिया, इसमें दिक्कत आ रही है कि बहुत ज्यादा रबिंग हो रही है, बस क्लोज है यहाँ से, लेकिन लेट्स सी कैसा ये जाता है। मेरे को हैरानी हो रही है, पहले दिन ही यूज कर रहा हूँ एंड फुल पूरे दिन ही ओवरलोडेड है। दिस इज आई गेस डे 1, मैं इसका ट्यूबलेस कराने आया था तो वो ट्यूब नहीं पड़ी हुई जुगाड़ के लिए, तो उससे ट्यूबलेस होता है तो इसका तो सर डिले हो जाएगा, लेकिन अभी यूनाइटेड में मैं ट्यूबलेस प्रॉपर करवा रहा हूँ। तो कंक्लूजन तो यही है कि अब मुझे घर जाके कुछ और जुगाड़ करना पड़ेगा इसका, बिकॉज उनको ट्यूब नहीं है एंड ट्यूब वाला जुगाड़ शायद मुझे खुद ही करना पड़ेगा। सो इट इज द नेक्स्ट डे एंड मैंने सोचा कि मैं जो सारी मॉडिफिकेशन अब खुद ही कर लूँ, बिकॉज ट्यूबलेस जो मैंने करना है वो ऑलरेडी मैं अपने यूनाइटेड में कर चुका हूँ, तो बिल्कुल ही सक्सेसफुल हुआ है, उल्टा पहले वाला फेल हो रहा था। एंड अब मैंने सोचा है जो मेरी ई मोटर एड है इससे मैं ट्यूबलेस कर लूँ, जो कि थोड़ा सा जुगाड़ वाला तरीका होगा, बिकॉज जो फैट बाइक्स होती है उसमें आपके एक्जैक्टली ट्यूबलेस वाले सेटअप नहीं आते हैं। अब मैं ट्यूबलेस इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज मैं इसको ऑफ रोड लेके जाने वाला हूँ एंड ऑफ रोड पे अगर आप एंटी पंचर लिक्विड डालते हैं तो थोड़ा सा फिर भी रिस्की रहता है, ट्यूबलेस बहुत ही परफेक्ट रहता है, लेकिन अगर मैं फेल हो गया तो मुझे एंटी पंचर लिक्विड ही डालना पड़ेगा। सो दिस इज हाउ दी फैट बाइक रिम लुक्स फॉर इन साइड। यहाँ पे ऑलरेडी टेप टाइप की चीज होती है, अब इसमें ट्यूबलेस टेप का लगाऊंगा तो बहुत दिक्कत आएगी बिकॉज अंदर से विजिबल होती है, तो ऑब्वियसली इसमें मुझे लास्ट में जाके ट्यूब वाला ही जुगाड़ करना पड़ेगा। फॉर द ट्यूबलेस कन्वर्जन मैं ये वाला थोड़ा सा हैक यूज कर रहा हूँ, इसमें मैंने ट्यूब कट करके लगा दी है जो कि जुगाड़ वाला सोल्यूशन होता है एंड इसके नीचे जो मेरी ई मोटर एड की डूडल आई थी आप वहां पर देख सकते हैं, तो मैंने उसी का यहाँ पर जो अंदर का मटेरियल होता है वो यूज किया ताकि पैडिंग हो जाए, वरना एयर फिल होने में काफी टाइम लगेगा। ये तो सीधा ही हो गया भैंस की आंख, खुद रखने तो बहुत इजीली ही ट्यूबलेस कन्वर्ट हो गया, इतना तो मैंने सोचा भी नहीं था, लेकिन हाँ वो सैटिस्फाइंग नॉइज बिल्कुल भी नहीं आई है। सो इट हैज टेकन मी अराउंड 2 आवर्स क्योंकि ट्यूबलेस कन्वर्जन होने में तो बिल्कुल ठीक हो गया था, लेकिन प्रॉब्लम आने लग गई थी। सो मैं एक बार दिखा देता हूँ प्रॉब्लम्स क्या क्या थी, पहले तो बंद करूँ भैंस की आंख इसको, इतना लाउड हब है इसका। सो फर्स्ट प्रॉब्लम ये आई थी कि पीछे वाला आगे वाला व्हील ठीक हो गया था, पीछे वाले में बहुत लीकेज थी, तो मैंने क्या किया इसका बास्केटबॉल की तरह पंप किया तब आगे ठीक हो गया। फ्रंट में भी काफी लीकेज थी, अब जाके मुझे ठीक हुई है। मतलब अगर आप जब ये देखोगे ना कि अगर साइड से आपके एंटी पंचर लिक्विड आना स्टार्ट हो जाता है, दैट इज अ गुड रीजन। बेसिकली जब भी आप ट्यूबलेस कन्वर्ट करते हो या तो उसको राइड करो या उसको फुटबॉल की तरफ टायर को मारो तो उससे जाके ठीक हो जाता है कई बार। नाउ लेट्स सी इसको एक बार ऑफ रोड जाके देखेंगे क्या चीजें हैं एंड अब हम नेक्स्ट मॉडिफिकेशन करेंगे। जब तक ये उल्टी साइकिल मैं आपको दिखाया था मोटर कैसे वर्क करती है, दिस इज द बफैंग मोटर जो कि M600 है एंड इसके अंदर ही केसिंग हुई पड़ी है, मुझे लगता है आउटर केसिंग है, अंदर भी है, यहाँ मोटर है, यहाँ क्रैंक है एंड अगर आप इसको ऐसे स्पिन करोगे इजीली स्पिन होता है, लेकिन अगर ऐसे करोगे तो ये नॉर्मली आपकी बाइसाइकिल को चलाएगा। मतलब एक फ्री व्हील वहाँ पर भी है, एक फ्री व्हील इसके अंदर भी है। ऑल्सो ये जो मॉडिफिकेशन की वीडियो थी मैं यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा हूँ, बहुत मैंने इसको चलाया उसके बाद, मैंने एक्चुअल में खुद ही मॉडिफिकेशन कर दी, मैं दिखाता हूँ क्या क्या मैंने अब और चेंजेस करे हैं। सो नेक्स्ट मॉडिफिकेशन इज दैट मैंने यहाँ पे सीट चेंज करी नॉटलेस की। सो ये मैंने इसलिए लगाई बिकॉज मैं यूनाइटेड में यही सीट यूज करता था जो आप देख सकते हैं G20 के अंदर है एंड इसमें मुझे आदत पड़ गई सीट की, मुझे ज्यादा कंफर्टेबल लगी, लेकिन जो इसकी ओरिजिनल सीट थी नाम बोल रहा हूँ एक्जैक्टली आपको दिखा दूंगा, वो इससे ज्यादा कंफर्टेबल थी, मैंने ओवर कंफर्टेबल हो रहा था, पेडल्स करना मुझे थोड़ा इजी नहीं लगा था उसमें। एंड द नेक्स्ट मॉडिफिकेशन इज दैट इसमें बॉटल होल्डर बिल्कुल नहीं आते हैं, तो मैंने ये वाले बॉटल होल्डर यहाँ पर अटैच कर दिए विद टेम्पररी स्ट्रैप ताकि इजिली खुल भी जाए, यानी आप देख सकते हैं मैंने माउंट लगाए हुए विद जिप टाइज एंड ऑल एंड एक मैंने पीछे लगाए हुए यहाँ पर बॉटल लगाई हुई है, दीज ऑल्सो आर विद दी वेलक्रोस एंड इसके बाद फाइनली वाटर का ऑप्शन है, बिकॉज अगर मैंने यहाँ पे बॉटल लगा के देखते दिखाई देता इवन छोटी बॉटल भी यहाँ पे फिट नहीं आती है तो बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती है। शिट भाई क्या हो गया भाई, वीडियो बना रहा हूँ इंसानों एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, अगर वीडियो पसंद आती है आप इसको लाइक कर सकते हैं, आप मुझे और भी मॉडिफिकेशन बता सकते हैं नेक्स्ट मैंने क्या करनी है, वही मैं अपने कोई और पर्सपेक्टिव पे कर दूंगा या फिर मैं इसी पर्सपेक्टिव पे कर दूंगा। अगर आपको ऐसी और भी वीडियो देखनी है आप मेरे चैनल चेकआउट कर सकते हैं, दैट इज फैट बाइक वैभव एंड दिस इज फैट बाइक वैभव साइनिंग ऑफ।